सोलन में लगातार बढ़ते जा रहे डायरिया के रोगी अब तक एक माह में करीबन 50 से 60 रोगी अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। ये रोगी नौणी, ओसगाट, मंसाल, चंबाघाट और आसपास के क्षेत्रों से आ रहे हैं। ये बीमारी क्योंकि जल जनित है और बरसात के समय में ये ज्यादा होती है, तो लोगों को इसमें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। सोलन में लगातार बढ़ते जा रहे डायरिया के रोगी अब तक एक माह में करीबन 50 से 60 रोगी अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। ये रोगी नौणी, ओसगाट, पंसाल, चंबाघाट और आसपास के क्षेत्रों से आ रहे हैं। ये बीमारी क्योंकि जल जनित है और बरसात के समय में ये ज्यादा होती है, तो लोगों को इसमें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। डायरिया पैदा करने के लिए प्रमुख रूप से रोटा वायरस जिम्मेदार होता है। ज्यादातर इससे बच्चे प्रभावित होते हैं। बच्चों में पानी और पोषक तत्वों की कमी के होने के साथ साथ अत्यधिक कमजोरी भी आ जाती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। इस बीमारी से केवल सावधानी से बचा जा सकता है। अधिक जानकारी देते हुए MS महेश गुप्ता ने बताया कि इस मौसम में डायरिया की चपेट में लोग ज्यादा आते हैं। उन्होंने बताया कि अगर हम पानी उबाल कर पीते हैं और गले सड़े फलों का सेवन नहीं करते हैं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ये रोग ज्यादातर दूषित पानी पीने से होता है, इसलिए पानी हमेशा साफ छानकर और उबालकर पीना चाहिए। अगर हम ये सावधानी बरतते हैं तो इस रोग के संक्रमण से बचा जा सकता है। इसमें ज्यादातर हम पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि एक तो पानी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए। पानी बॉयल लें तो बहुत बढ़िया है। बॉयल करके 15 मिनट तक कम से कम पानी को बॉयल करके लिया जाए। क्लोरीनेशन एक अच्छा वो हो सकता है कि क्लोरीन पानी में डाली जाए, उससे थोड़ा डिसइंफेक्ट किया जाए पानी को। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो गले सड़े फल फ्रूट होते हैं आजकल बाज़ारों में मिलते हैं, खुली जो चीज़ें होती हैं जो बाज़ारों में रखी होती हैं, उनको खाना या पीना अवॉइड किया जाए। और बहुत ज़्यादा जिनको बहुत ज़्यादा हो जाए, मान लो किसी को गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टट्टियाँ उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और पानी की काफ़ी कमी हो जाती है, तो उस केस में उनको तुरंत अपने नज़दीकी सब सेंटर, किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आके अपना इलाज करवाना चाहिए। वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।